Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. So, dosto, aaj ka presentation hai Puranik Grand Central and the new tower which is launched is Omega and Royal in Thane. So, let's begin with the presentation. So, dosto, ye do tower launch hua hai, jo ke Omega hai aur Royal hai. तो दोस्तों ओमेगा जो है वो ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी का टावर है जिसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 8 यूनिट्स है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2 बीएचके फ्लैट्स और रॉयल जो है वो ग्राउंड प्लस 40 फ्लोर का टावर है विद 7 यूनिट्स ऑन एवरी फ्लोर विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2 बीएचके फ्लैट्स। तो दोस्तों ये जो पुरानी ग्रैंड सेंट्रल है ये अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एमिनिटीज नहीं दिया हुआ है, नाइदर स्विमिंग पूल दिया हुआ है, तो ये अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है ताकि आपका मेंटेनेंस और आउटगोइंग कम रहे हर एक फ्लैट में। लोकेशन वाइज अगर देखते हैं तो ये एरिया है लोकेशन जहां पर आप इस तरफ आप देखेंगे ये विवानिया मॉल है जो कि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर है। तो विवानिया मॉल से या हाईवे से करीबन 1 किलोमीटर अंदर ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है जो कि पोखरान रोड नंबर 1 आप इसको आप बोल सकते हो और ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जो कि आगे यहाँ से टुवर्ड्स कल्याण की तरफ जाता है और ये जो फ्लाईओवर है यहाँ से अगर सिग्नल के अगर नीचे आते हैं तो ये रास्ता जो है गोडबंदर रोड की तरफ जाता है और राइट की तरफ जाएंगे तो बिग बाजार है। तो प्रोजेक्ट जो है ये पोखरान रोड नंबर 1 पे लोकेटेड है, यहाँ पर ये जो आप प्लॉट देख रहे हो ब्लू कलर का ये प्लॉट है। तो यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है वो ये जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है इस प्लॉट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। थाने स्टेशन 3.5 किलोमीटर, गोल्डन स्वैन कंट्री क्लब 3 किलोमीटर और गोरबंदर रोड 3.5 किलोमीटर दूरी पर है इस प्रोजेक्ट से। और दूसरे अगर इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है अगर हेल्थ केयर में अगर आप देखेंगे तो जुपिटर हॉस्पिटल इसके काफ़ी करीब है, बिथानी हॉस्पिटल, त्रिपति हॉस्पिटल एंड वेदांत चिल्ड्रन हॉस्पिटल ये सारा हॉस्पिटल इसके नज़दीक है। मॉल और एंटरटेनमेंट वाइज देखेंगे तो कोरम मॉल इस प्रोजेक्ट से काफ़ी करीब है, विवानिया मॉल अगेन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, इटर्निटी मॉल, सत्कार रेसिडेंसी, द थाने क्लब और गोल्डन स्वैन कंट्री क्लब ये सारा इस प्रोजेक्ट के नज़दीक है। बैंक्स वाइज देखेंगे तो SBI बैंक, यूनियन बैंक, ICICI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सरस्वत बैंक, HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक जो कि इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक है। स्कूल वाइज अगर देखते हैं तो श्रीमती सुलक्षणा देवी सिंघानिया स्कूल जो कि इस प्रोजेक्ट के नज़दीक है, वसंत विहार स्कूल, लिटिल फ्लावर हाई स्कूल, बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल, पोडार जम्बो किड्स एंड CP गोयनका इंटरनेशनल स्कूल जो इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक है। कॉलेजेस वाइज देखेंगे तो ध्यान साधना कॉलेज, RJ ठाकुर कॉलेज एंड NG बेडेकर कॉलेज इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक है। तो इकोसिस्टम दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड एरिया है थाना में, पोखरान रोड नंबर 1 यहाँ पर है, पोखरान रोड नंबर 2 यहाँ पर है, ये दोनों लोकेशन जो है थाना का काफ़ी प्राइम लोकेशन है। और दूसरा USP इस प्रोजेक्ट के बारे में ये है कि इस फ्लैट्स में होम ऑटोमेशन सिस्टम दिया हुआ है जो कि जितने भी डिवाइसेस है आप मोबाइल से इजीली आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है पुरानी ग्रैंड सेंट्रल ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये पूरा लैंड पार्सल अगर आप देखेंगे तो करीबन 18 एकड़ का लैंड पार्सल है और यहाँ पे टोटल बिल्डिंग जो आएगी इस प्रोजेक्ट में टोटल 18 बिल्डिंग रहेगी, 18 बिल्डिंग्स रहेगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरफ तो ये स्टेला है, इसके बाजू में सुपीरियो है और इस तरफ है स्टेला और यहाँ पे एक और एक बिल्डिंग है जिसका नाम ट्रेजोर है जिसका पोजीशन दे दिया गया है। और ओमेगा और रॉयल ये दो बिल्डिंग है, ये यहाँ पर रॉयल बन रहा है और यहाँ पर ओमेगा बन रहा है और ये टोटल लैंड पार्सल में 18 एकड़ लैंड पार्सल में यहाँ पे हर एक एकड़ में एक बिल्डिंग आएगी। तो इसका मतलब ये सारे प्रोजेक्ट में टोटल बिल्डिंग्स जो रहेगी वो 18 बिल्डिंग रहेगी जिसमें से अभी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये पांचवा और छठा जो है ओमेगा और रॉयल है। बीच में यहाँ पर आप जो भी ये क्लस्टर्स देख रहे हैं यहाँ पर और भी बिल्डिंग्स आने वाली, यहाँ पर आप सामने की तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, सारा हर एक एकड़ में एक बिल्डिंग रहे।
तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ये ओमेगा और रॉयल के बारे में, जो कि पिछले महीने ही लॉन्च हुआ है। तो थाना बेल्ट में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर सभी सेगमेंट्स के फ्लैट्स हैं, लग्जरी और अफोर्डेबल होम्स दोनों हैं, और पुराने डेवलपर यहाँ पर दोनों टाइप के फ्लैट्स बना रहे हैं, लग्जरी भी बना रहे हैं और अफोर्डेबल होम्स भी बना रहे हैं। और थाना बेल्ट आप देखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज 2014 से आप देखोगे और अभी तक जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वहाँ पर बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला है, भले फिर वो एंड यूज़र हो या इन्वेस्टमेंट के पर्पस हो। तो 2014 से लेकर 2022 तक ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी का प्राइसेस वहाँ पर डबल हो गया। सेकेंडली, एयर पोल्यूशन, वाटर और नॉइस पोल्यूशन के बारे में अगर देखते हैं तो थाना बेल्ट में जो है वो लोवेस्ट रिकॉर्ड किया गया है एज पर द UN Habitat एंड European Commissions। और यहाँ पर आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है, जैसे कि गोरबंदर रोड के ऊपर ही पैरेलल मेट्रो ट्रेन जो काम जो चल रहा है, जो आगे चलकर जब शुरू होगी मेट्रो ट्रेन, तो ये दहिसर से पैरेलल चलेगी आगे गोरबंदर रोड और आगे थाने तक कनेक्ट होगी, और थाने से आगे फिर ये टूवर्ड्स कल्याण और भिवंडी तक कनेक्ट होगा मेट्रो स्टेशन। तो उससे भी एक थाना बेल्ट को जो है एप्रिसिएशन मिलने का चांस रहता है। और यहाँ पर समवेयर अराउंड टिकुजिनी वाड़ी या मानपाड़ा के आसपास एक अंडरग्राउंड टनल बनेगा, जो कि नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर से क्रॉस होते हुए वो बोरीवली नेशनल पार्क के गेट के आसपास आएगा, जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है बोरीवली ईस्ट पे। जब वो टनल कनेक्ट हो जाता है तो वहाँ से टिकुजिनी वाड़ी से आप नेशनल पार्क टूवर्ड्स वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बोरीवली ईस्ट आप हार्डली 15 मिनट के ड्राइव पे आप आ सकते हो। सेकेंडली, पुरानिक इज अ ब्रांडेड डेवलपर, उनके करीबन 32 साल से इंडस्ट्री में है 1990 से, और करीबन 5,54,000 स्क्वायर मीटर उन्होंने डेवलप कर दिया है। 35 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, 23 इज ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स इन मुंबई, पुणे, नेरल, थाने, एंड अगेन देर इज फ्यूचर डेवलपमेंट विद मोर देन 13 लाख स्क्वायर मीटर्स। And right now there is 17 forthcoming project which will be around 12,63,000 square meters. तो कुछ जरूरत की amenities इस project में दिया हुआ है, जैसे yoga room, business lounge, library and party hall। यहाँ पर आप देखेंगे ये चारों चीज। तो दोस्तों ये omega का floor plan है जिसमें आप देखेंगे 1 और 2 BHK के flats है, पर 2 BHK जो है वो mostly sold out है, बहुत ही कम units बचे हैं। और 1 BHK इस पे शुरू होता है 432 स्क्वायर फीट से, विच द प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 75 लाख। और रॉयल में आप देखेंगे 418 है, सिमिलर टाइप ऑफ प्लानिंग है, 418 स्क्वायर फीट है जो कि 78 लाख से शुरू होता है, और उसमें थोड़ा सा बड़ा 1 BHK भी है जो कि 425 स्क्वायर फीट है और 80 लाख से शुरू होता है। 2 BHK इसमें अवेलेबल है, बहुत कम इन्वेंट्री अवेलेबल है। आपको अगर सुपीरिया, एलिटो या तो स्टेला में अगर 2 BHK अगर देखना है जिसमें अर्ली पोजीशन है, तो उसमें आपको कुछ 2 BHK उसमें भी मिल जाएंगे। तो जब आप फ्लैट देखेंगे तो आपको ओमेगा और रॉयल का भी दिखाएंगे, और प्लस एट द सेम टाइम जो पहले जो बिल्डिंग बन रही है ऑलरेडी, सुपीरियो, एलिटो और स्टेला, उसमें भी आपको दिखाएंगे जिसका पोजिशन 1 साल के अंदर है। और ओमेगा और रॉयल का अगर आप देखेंगे पोजिशन, तो इसका पोजिशन है जनवरी 2026। सो फ्रेंड्स, ओमेगा और रॉयल के साथ साथ में अगर आपको सुपीरियो में भी अगर फ्लैट लेना है, तो ये सुपीरियो बिल्डिंग है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ प्लानिंग है, इसमें आपको पोजीशन जल्दी मिल जाएगा। तो ये कुछ ग्लिम्सेस मैं आपको दिखा रहा हूँ सुपीरियो का, जो कि उसी कॉम्प्लेक्स, उसी प्रोजेक्ट के अंदर है, और ये इसका फ्लोर प्लान है सुपीरियो का, जिसमें ये जैसा आप यहाँ पर आप देख रहे यूनिट प्लान, सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट प्लान दिया है, बहुत 19-20 का फर्क होगा सभी बिल्डिंगों में, और ये 2 BHK का कुछ इस टाइप का प्लानिंग दिया हुआ है हर एक बिल्डिंग में, जो कि प्राइस 1-12 से शुरू होता है, जो कि प्राइस 1,12,00,000 से शुरू होता है। सो दोस्तों, बुकिंग ऑफ सुपीरियो, ओमेगा, रॉयल, एलिटो, कोई भी बिल्डिंग के बुकिंग के लिए आप मुझे फोन कर सकते हो 7400138561 पर। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like, subscribe and share to this channel, because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye-bye. Take care.